नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गुण चौधरी। आप देख रहे हैं जीएस चौधरी चैनल। मेरे अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाला है स्टोरेज के बारे में, जो कि हर एक बंदे की जो है स्टोरेज प्रॉब्लम रहती है, उनके स्टोरेज हर टाइम फुल रहती है। तो अगर आपके पास ऐसा मोबाइल है जो कि 64 GB होता है, 128 GB का स्टोरेज, और आपके स्टोरेज की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, और अपने जो पुराने से पुराने फोटो को आप अगर आप मेरी तरह सेज के रखना चाहते हो, आज इस वीडियो में उसी का सोल्यूशन लेके आया हूँ। किस प्रकार से जो अपनी पुराने से पुराने वीडियो जो स्टोर कर सकते हो। बात करने वाला है इसी SSD के बारे में, जो कि सैमसंग की तरफ से आती है। ये वाली है सैमसंग की लेटेस्ट T5 SSD, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा राइड और रीड स्पीड आपको ये वाली मिल जाएगी, जो कि ये हैं। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो दिवाली तकरीबन, आपको अमेजोन अथवा कहीं भी ऑफलाइन क्षेत्र जो भी ऑफलाइन सैमसंग का स्टोर है तो उस पर आपको मिल जाएगी। दिवाली मैंने ऑनलाइन खरीदी, जो कि तकरीबन मेरे को तो 7,000 के तकरीबन पड़ी थी, और फिलहाल इसका रेट है जो कि 8,000 के तकरीबन है। पिछली वाली जो थी वो मेरे को सेल में मिल गई थी, जो कि 7,500 के तकरीबन वाली मेरे को पड़ी थी, और अभी फिलहाल इसका अमेजोन का रेट जो कि 8,000 चल रहा है। मैं उसका अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप इसको खरीद सकें। और इसका मैं यूज़ आपको बताता हूँ। अगर आपके पास USB टाइप सी वाला स्मार्टफोन है तो किसी भी स्मार्टफोन के साथ में आप कनेक्ट कर पाओगे। और मैं सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि इसके SSD के साथ में आपको क्या क्या SSD मिल जाती है। इसको अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर दी थी, तो आपको एक फ़ोटो में दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी आपको स्क्रीन पर चौरा कुछ इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग के साथ में वाली मिल जाती है। और मेरे पास ये वाली है तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए, और मैं इसका तकरीबन इसका 50% इसका स्टोरेज यूज़ कर चुका हूँ। मेरे पास ये वाला 500 GB वाला वेरियंट है, तो 500 GB और 1 TB का भी स्टोरेज आप में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, इसको खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको इसके साथ में क्या क्या मिल जाता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। SSD मिल जाती है, जो कि अब इसी बात है आपको ये वाली मिलेगी, और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो ये वाली ड्यूरेबल है, जो कि अगर आपके हाथ से फिसल जाए तो गिर जाए तो भी आपका डेटा सेफ रहने वाला है, कहीं भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा, जो कि ये वाली एक अच्छी बात है। और इसको कॉम्पैक्ट साइज देखिए, ये देखिए बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, इसकी जो है 100 ग्राम के तकरीबन इसका भी वजन नहीं होगा, तो ये काफ़ी लाइट वेट है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाती है SSD। तो वेरियंट भी इसमें अलग अलग आपको मिल जाता है, जो कि रेड है, ब्लू है, और में आपको 2 केबल मिल जाएगी, जो कि एक USB A टू USB टाइप सी। देखिए अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो इसको तो उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। देखिए यह USB टाइप सी टू USB टाइप है, जो कि कुछ आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। इसी वाली केबल के बारे में बताया था, जो कि USB टाइप सी टू टाइप सी केबल है। ये देखिए दोनों सिरों पर आपको USB टाइप सी केबल मिल जाएगी। अगर आपके पास सी टाइप वाला स्मार्टफोन है तो आपको इसके साथ में बड़े आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास जो स्मार्टफोन में स्पेस कम पड़ रहा है, इस प्रकार के एक्सटर्नल SSD के बारे में सोच रहे हो, तो सैमसंग की SSD जो कि आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हो। आइए आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी नंबर कर दीजिएगा। और आपको ये वाले सैमसंग की SSD कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलता हूँ इसी तरह से नए अगला वीडियो में।